ये देखिए, फाल्गु नदी, गया की पवित्र फाल्गु नदी, जिसके बीचों बीच मैं अभी खड़ा हूँ, और ये पानी से विहीन हो चुकी है। नदी का पानी सूख चुका है, लेकिन पानी सूख जाने के बाद भी इस नदी का हमारे हिंदू धर्म के पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपना अद्वितीय स्थान है। और ऐसा कहा जाता है कि जब तक हम अपने पितरों का श्राद्ध, पितरों को तर्पण इस नदी से ना कर दें, उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। इसीलिए पितृपक्ष के पावन महीने में यहाँ पर भारत ही नहीं अपितु विदेश से भी लोग अपने पितरों को श्राद्ध करने के लिए, उनको तर्पण देने के लिए इसी पवित्र फाल्गु नदी में आते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सदियों सदियों से नदी ऐसी ही थी। माँ सीता के श्रापवश इस नदी का पानी सूख चुका है, और ये केवल बरसात के महीने में ही इस नदी में पानी रहता है। लेकिन अब बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अंतर्गत इसमें कम से कम 3 फीट तक वर्ष भर पानी रखने की योजना पर काम चल रहा है। देखते हैं कब तक योजना सफल होती है। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोग दर्शन कीजिए गया की फाल्गु नदी के चारों तरफ का परिदृश्य को।